आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूनिट 2 के हमारे काफ़ी इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो हम इस रेडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, जो जितने भी प्रीवियस ईयर AKTU में आ चुके हैं, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन को हम आज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो कि क्वेश्चन है पहला, वो क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप रिले। क्या क्या डिफरेंट टाइप के अट्रैक्टेड आर्मेचर रिले हैं, और इनको हम इनके नॉइजी क्यों नॉइजी होते हैं, ये इसके रीजन हमको एक्सप्लेन करने हैं दोस्तों। तो अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप रिले क्या, देखिए दोस्तों, अट्रैक्टेड आर्मेचर आर्मेचर टाइप रिले में हमारा जो पहला है वो है प्लंजर रिले। प्लंजर रिले क्या होता है दोस्तों, प्लंजर जो हमारा इसमें क्या, प्लंजर रिले में हम जनरली जो यूज करते हैं वो हम प्लंजर यूज करते हैं। ये प्लंजर क्या होता है, जब हमारा इनर्जाइज होता है, जब ये हमारा इनर्जाइज हो जाए तो ये प्लंजर क्या होते हैं, हमारे अपवर्ड मूव करते हैं दोस्तों। किसके द्वारा अपवर्ड मूव करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा हमारा ये क्या करते हैं, ये अपवर्ड मूव करते हैं दोस्तों। इसमें हमारा क्या लगा रहता है इस, और फिर जब ये हमारा डीमैग्नेट, जब हमारा पहले क्या था प्लंजर, जब इनर्जाइज हो रहे थे तो अपवर्ड मूवमेंट हो रहा था किसके थ्रू, मैग्नेटिक फोर्स के थ्रू। जब ये डी इनर्जाइज होंगे तो ये डाउनवर्ड क्या करेंगे, मूव करेंगे। किसके डाउनवर्ड मूव क्यों, कैसे करेंगे, क्योंकि वहां पे स्प्रिंग हमारा लगा होगा। जब इनर्जाइज नहीं होंगे तो वो हमारा क्या होगा, डाउनवर्ड मूव करेंगे। नॉर्मल कंडीशन में दोस्तों क्या होता है कि क्वाइल हमारा इनर्जाइज नहीं होता है, जिसकी वजह से जो प्लंजर होता है वो मूव अपवर्ड नहीं करता। लेकिन जैसे ही हमारा क्या होगा, एबनॉर्मल कंडीशन आ गया, यानी एबनॉर्मल कंडीशन कब आएगा, जो हमारा थ्रेशोल्ड वैल्यू होगा, जो थ्रेशोल्ड वैल्यू का हमारा जो करंट होगा, वैल्यू ऑफ करंट होगा, उतने से हमारा क्या होगा, उससे जब पार होगा तो जो हमारा प्लंजर है वो क्या करेगा, स्टार्ट करेगा मूविंग, क्या अपवर्ड मूविंग स्टार्ट करेगा। तो उसी समय क्या होगा, उसी समय हमारा जो प्लंजर है वो हमारा अपवर्ड मूव करेगा। उसी वैल्यू, उसी को हम क्या बोलते हैं, पिकअप वैल्यू ऑफ करंट दोस्तों, उसी को हम क्या बोलते हैं, पिकअप वैल्यू ऑफ करंट। और जो हमारा ये जो प्लंजर टाइप रिले है वो एसी या डीसी दोनों के लिए ऑपरेट करता है। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है दोस्तों, 5 से लेके 50 सेकंड के बीच में ये रिले ऑपरेट करता है दोस्तों। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, हमको पता है कि फ्लक्स स्क्वायर स्क्वायर ऑफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है, और फ्लक्स का कौन सा होता है हमारा, जो कि अनसेचुरेशन एयर गैप अंडर द अनसेचुरेशन फ्लक्स होता है दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या है, हमारा जो फ्लक्स होता है वो करेंट के प्रोपोर्शनल होता है, और करंट हमारा क्या, एक्चुएटिंग करंट है दोस्तों। तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फाई स्क्वायर, यानी आई स्क्वायर। यहाँ पे कांस्टेंट हम के कांस्टेंट और एक रिस्ट्रेनिंग कॉइल का कांस्टेंट K1, जो हमारा K2 है। अब नॉर्मल कंडीशन जब हमारा कॉन्टेक्ट हो जाएगा तो उस समय हमारा क्या होगा, फोर्स जीरो होगा। तो उस समय हमारा क्या होगा, इन दोनों को इक्वल होगा, यानी फोर्स हमारा क्या होगा, जीरो होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑपरेटिंग करंट होगा, जो हमारा एक्चुएटिंग करंट होगा, वो हमारा कॉन्स्टेंट होगा, ग्रेटर देन किसके द्वारा, हमारा जो हमारा जब हमारा ऑपरेशन, जब प्लंजर हमारा क्या होगा, ये हमारा तो नॉन ऑपरेशन वाला है, लेकिन जब हमारा प्लंजर ऑपरेट करेगा तो उस समय हमारा करंट जो होगा वो ग्रेटर देन I1 होगा, यानी ग्रेटर देन कॉन्स्टेंट होगा दोस्तों। ये देख सकते हैं कि यहाँ से हमने क्या दिया, वोल्टेज इनपुट या आउटपुट दिया। यहाँ से जो हमारा I1 है, यानी एक्चुएटिंग करंट से जब हमारा करंट जो हम दे रहे हैं, इनपुट करंट अगर वो ग्रेटर रहा तो हमारा प्लंजर जो है वो अपवर्ड मूव करेगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा क्या है, स्प्रिंग है। फिर उसके बाद क्या है, बैलेंस बीम टाइप रिले। अब बैलेंस बीम टाइप रिले क्या होता है, तो बैलेंस बीम टाइप जो हमारा रिले है वो ऑपरेट किस पे करता है, बैलेंसिंग प्रिंसिपल के ऊपर वो ऑपरेट करता है। ये क्या करता है, मेनली हमारा कंपेयर करता है दो क्वांटिटी, या तो ये करंट हो सकते हैं या वोल्टेज हो सकते हैं, या एक करंट और एक वोल्टेज हमारा हो सकता है। और इसके अंदर हमारा क्या है, एक हमारे ये देख सकते हैं, जैसे ये डायग्राम है, इसके मिडिल में हमारा क्या है, पिवोटेड सेंट्रली, यानी यहाँ पे हमारा क्या है कि हमारा ये कंसिस्ट, इसके अंदर बीम होता है जो कि सेंट्रली सपोर्टेड मिडिल होता है। इसके अंदर दो क्वाइल होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ई टाइप मैग्नेट यहाँ पे यूज हुआ है, ये वोल्टेज और यहाँ पे हमने करंट यूज किया है, दोनों करंट हो सकते हैं दोस्तों। ये जो हमारा नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल होते हैं, नॉर्मल अंडर द नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन जो हमारे बीम होते हैं वो हमारे हॉरिजॉन्टल होते हैं। लेकिन जैसे हमारा क्या होगा, जैसे ही हमारा किसी एक में हमारा एक्सेडिंग आएगा, नजर आएगा,
तो उसी कंडीशन में क्या होगा, हमारा ऑपरेटिंग टॉर्क जो है वो क्या करेगा, ज्यादा जब होगा तो जब हमारा ऑपरेटिंग टॉर्क जो हमारी है ऑपरेटिंग साइड में जो हमारा ऑपरेटिंग टॉर्क है अगर वो ज्यादा होता है किसके, रीस्ट्रेनिंग के, तो जो हमारा बीम है बीम हमारा क्या होगा नीचे की तरफ यानी पुल डाउन की तरफ मूव करेगा और हमारा जो सर्किट ब्रेकर होगा वो कैसा हो जाएगा, वो ट्रिप कर जाएगा दोस्तों, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हमारा क्या ऑपरेटिंग प्रिंसिपल जैसे अब इस पे किस पे बेस है, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, दोनों हमने क्वांटिटी क्या लिया है, करंट का लिया है दोस्तों, दोनों क्वांटिटी करंट का लिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा टॉर्क है वो K1 I1 स्क्वायर माइनस K2 I2 स्क्वायर, I1 हमारा क्या है ऑपरेटिंग कॉइल का है और I2 हमारा रीस्ट्रेनिंग कॉइल का है। जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि सपोज दैट एक हमारा क्या होगा, ये सपोज दैट हमारा रीस्ट्रेनिंग कॉइल है तो हमारा ये हमारा ऑपरेटिंग कॉइल है दोस्तों। अगर हमारा देखिए ये तो हमारा टॉर्क हो गया, लेकिन अगर हमको नॉर्मल कंडीशन में क्या देखना है टॉर्क जीरो होगा तो उस कंडीशन में हमारा रेशियो I1 I2 का हमारा क्या होगा कांस्टेंट होगा। अब ये हम कैरेक्टरिस्टिक भी देख सकते हैं I1 I2 का, कि I1 I2 का जब हम कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे तो आइडियल कंडीशन में देखिए स्ट्रेट जा रहा है, लेकिन हमारा जब कोई भी कॉन्स्टेंट नजर आता है तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा ये अपवर्ड की तरफ मूव करेगा और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव टॉर्क होगा जो ट्रिप कॉइल नॉट ऑपरेट, ये यहाँ पे कॉइल क्या होगा ट्रिप होगा लेकिन ऑपरेट हमारा नहीं होगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं नेगेटिव टॉर्क है जो कि ट्रिप करेगा कॉइल को लेकिन ऑपरेट हमारा नहीं होगा। अब हमारा तीसरा टाइप क्या है, पोलराइज टाइप रिले। पोलराइज टाइप रिले में क्या होता है दोस्तों, अ रिले हुज ऑपरेशन डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज, मतलब जो हमारा पोलराइज टाइप रिले है किसके ऊपर डिपेंड है, जिसका डायरेक्शन हमारा जो डायरेक्शन है वो करंट के ऊपर डिपेंड है और जो पोलैरिटी है दोस्तों अगर वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड है तो वैसे को हम क्या बोलेंगे, वैसे को हम पोलराइज टाइप रिले बोलेंगे दोस्तों। और ये हमारा जो करंट कैरिंग कॉयल होता है ये हमारे स्टेशनरी कोर में होता है दोस्तों। यहाँ पे जो हम पोलराइजेशन में यूज करते हैं वो हम परमानेंट मैग्नेट का यूज करते हैं, इसके वजह से जो हमारा कॉन्टेक्ट होगा अगर क्लोज होता है तो उस समय अगर कॉन्टेक्ट हमारा क्लोज होगा तो हमारा जो करंट है ऑपरेटिंग कॉइल का वो ज्यादा होगा किसके, वो हमारा ज्यादा होगा पिकअप वैल्यू के, यहाँ पे एक पिकअप वैल्यू होगा, अगर उससे हमारा करंट ज्यादा होगा तब हमारा क्या होगा जो कांटेक्ट होगा वो आपस में क्लोज होगा दोस्तों। ये जो हमारा ये पोलराइज टाइप है वो हाईली क्या है, हाईली सेंसिटिव है, हाईली सेंसिटिव रिले है, क्योंकि ये इसका टाइम ड्यूरेशन 2 मिली सेकेंड से लेके 1.5 यानी 15 मिली सेकेंड तक ये क्या होता है इतने कम समय में ये तुरंत रिले हमारा ऑपरेट कर देता है दोस्तों। इसका अगर हम यहाँ पे डीसी पोलराइज रिले यहाँ पे अगर हम यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि रिले हमारा क्या होगा केवल इनपुट में करेक्टली जो हमारा इनपुट करेंट या इनपुट वोल्टेज होगा वो करेक्ट उसका पोलैरिटी होगा, यानी डीसी में इसका जो एफिशियंसी है वो काफी हद तक ज्यादा इंप्रूवमेंट हमको नजर आता है दोस्तों। फिर उसके बाद रीजन क्या है कि क्यों ये हमारा नॉइजी होता है अट्रैक्टेड टाइप, क्योंकि यहाँ पे जो रिस्ट्रेनिंग फोर्स होता है वो प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा, स्प्रिंग इसमें लगा होता है, इसके द्वारा क्या होता है रिस्ट्रेनिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है, रिस्ट्रेनिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा रिले आर्मेचर में तो कहीं ना कहीं वो वाइब्रेट करेगा, जब वो वाइब्रेट करेगा वो भी सोचिए डबल फ्रिक्वेंसी से, तो कहीं ना कहीं ये हमारा नॉइजी नजर आता है दोस्तों। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमको बताना है क्या, ये हमको वर्किंग प्रिंसिपल बताना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले का और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना है। तो हम यहाँ पे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले देखते हैं किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। देखिए दोस्तों जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है वो वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन के ऊपर, इसका मतलब क्या है यहाँ पे हम मैग्नेटिक स्विच यूज करते हैं जो कि यूज होता है हमारा क्या मैग्नेट, जो हमारा यूज होता है यहाँ पे मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए क्रिएट करने के लिए, और यही जो मैग्नेटिक फील्ड है दोस्तों वो हमारा यूज होता है किसके लिए, कॉइल को ओपन करे जो स्विच को ओपन या क्लोज या कोई भी मैकेनिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले यहाँ पे यूज होता है। हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले दो प्रकार के होते हैं, एक तो आर्मेचर में हमने देखा था ये तीनों प्लंजर बैलेंस बीम और पोलराइज्ड, उसके बाद होते हैं हमारे इंडक्शन टाइप रिले। इंडक्शन टाइप रिले में हमारे दो होते हैं, एक
एक इंडक्शन कप होते हैं और एक इंडक्शन डिस्क होते हैं। और डिस्क में हमारे दो टाइप, एक शेडेड पोल, एक हमारे वॉट मीटर रिले होते हैं। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होता है वो दोनों मतलब एसी में भी यूज होता है और डीसी में भी यूज होता है। इसका जो ऑपरेशन होता है दोस्तों वो काफी फास्ट होता है, इसका रीसेट ऑपरेशन भी काफी फास्ट होता है, इसका ऑपरेटिंग स्पीड क्या होता है काफी ज्यादा होता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी क्या है कि इसमें जो बर्डन लेवल है इंस्ट्रूमेंट का, ट्रांसफार्मर का, उसमें ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इसमें सोचिए डिफरेंट डिफरेंट हम कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, स्प्रिंग यूज कर रहे हैं, काफी ज्यादा नॉइजी होता है दोस्तों। इसलिए इसको पीरियोडिक मेंटेनेंस का काफी हद तक जरूरत होता है। और इसके एप्लीकेशन कई सारे हैं कि एसी और डीसी इक्विपमेंट में हम इसको यूज कर सकते हैं। इसमें जो डेफिनेट अगर हमको टाइम लैग चाहिए या अल्फा प्रोटेक्शन चाहिए डेफिनेट टाइम के साथ, तो वो सारा चीज है हमारा, ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में भी हमारा यूज होता है दोस्तों। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, एक्सप्लेन द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल एंड टाइप ऑफ इंडक्शन रिले। तो इंडक्शन रिले में हमको बताना है और उसके टाइप्स बताने हैं। देखिए जो इंडक्शन रिले है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है जो कि प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो हमारे वो प्रिंसिपल पे वर्क करता है दोस्तों। इसका जो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है वो सिंपली है क्या, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है उसी के ऊपर बेस्ड है दोस्तों। जो इंडक्शन रिले है वो हमारा केवल एसी रिले के लिए, एसी के लिए ही हमारा, एसी करंट के लिए हमारा ये यूज होता है दोस्तों। इंडक्शन रिले दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक दोनों टाइप दो इसके दोनों जो टाइप हैं यानी डिस्क या कप टाइप है, दोनों किसके लिए इक्विवेलेंट है, जो रोटर होता है इंडक्शन मोटर का उसी के क्या है ये इक्विवेलेंट है। इसमें मूविंग एलिमेंट हम जो हमारा मूविंग एलिमेंट जो इंडक्शन एलिमेंट में वो इंडक्शन कप रोटर में हम यूज करते हैं मोटर में, वो हमारा मूविंग एलिमेंट यानी रोटर करंट ही होता है दोस्तों। वही मैग्नेटिक सर्किट जो होता है हमारा जो सिंपल होता है वो स्टेशनरी का यूज करता है, यानी इंडक्शन रिले में जो हमारा मूविंग होता है वो क्या होता है, वो हमारा रोटर होता है। लेकिन अगर वही हमारा क्या है मैग्नेटिक सर्किट है तो वो हमारा कैसा होगा दोस्तों, मैग्नेटिक सर्किट है यानी हमारा वो स्टेशनरी हमारा होता है। देख फिर ये आप इसके अगर सोर्स बात करें अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स के जो मूविंग मूविंग एलिमेंट में जो हमको रिक्वायरमेंट होता है वो हमारे इंडक्शन टाइप रिले से ही आता है दोस्तों, जो कि ऑपरेटिंग टॉर्क को जनरेट करने में हेल्प करता है और दो फ्लक्स हमारा प्रोड्यूस करता है। इन दोनों में डिफरेंस ही हमारा उसी की वजह से हमारा जो टॉर्क होता है वो हमारा क्या करता है, वो हमारा ऑपरेट करता है दोस्तों। अब इसके टाइप का बात करें तो इसके में टाइप हमारा क्या थे, टाइप में हमने देखा था इंडक्शन डिस्क टाइप में दो टाइप थे, एक तो शेडेड पोल टाइप थे, एक वॉट मीटर टाइप थे दोस्तों। अब शेडेड में देखिए क्या होता है, सिंपली आप यहां पे समझिए, देखिए शेडेड पोल में क्या होता है, शेडेड में हमारा क्या होता है, यहाँ पे कॉपर शेडिंग होता है, यहाँ हमारा क्या होता है कॉपर कट करके कॉपर शेडिंग होता है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स हमको मिलता है फाई टू मान लीजिए, यहाँ पे हमको फाई वन है, तो इन दोनों के फ्लक्स में हमको डिफरेंस नजर आता है, जो कि हमारा टॉर्क, जब दोनों में फ्लक्स में डिफरेंस नजर आएगा तो हमारा क्या होगा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। द टॉर्क आर प्रोड्यूस बाय इंट्रैक्शन ऑफ ईच फ्लक्स, दोनों फ्लक्स के कारण फाई वन एंड फाई टू साइन थीटा, और थीटा हमारा इसके बीच में phi1 एंड phi2 के बीच में, इसके कारण जो रिजल्ट क्या होगा, जो हमारा टॉर्क होगा वो क्या करेगा डिस्क को रोटेट करेगा दोस्तों। और यहाँ पे ब्रेकिंग मैग्नेट हम यूज किए हैं, ब्रेकिंग मैग्नेट हम यूज किए हैं इसलिए कि हमारा जो रोटेटिंग स्पीड है दोस्तों वो हमारा क्या हो सके, वो हमारा रोटेटिंग स्पीड यहाँ पे हमारा कंट्रोल हो सके दोस्तों। अब हम आते हैं वॉट मीटर टाइप रिले में। वॉट मीटर टाइप रिले क्या होता है दोस्तों, ये हमारे वॉट मीटर की तरह ही होता है। इसमें दो चीजें हमारे कंसिस्ट होते हैं, एक तो हमारा ई शेप्ड जो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपर मैग्नेट है वो ई शेप्ड है, और यहाँ पे हमारा लोअर वाला है वो हमारा सी शेप्ड का यहाँ पे यूज किया गया है दोस्तों। ये जो हमारा एल्युमिनियम यहाँ पे हम बीच में हम क्या यूज करते हैं, जो डिस्क यूज करते हैं वो एल्युमिनियम का होता है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे प्लग सेटिंग से हमारा क्या है सेकेंड जो हमारा प्राइमरी जो वाइंडिंग है वो कनेक्ट है। दोनों जो हमारे दोनों मैग्नेट होते हैं इसमें हमारे दोनों मैग्नेट के थ्रू हमारा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, उनके कारण जो फ्लक्स हमारा जो प्रोड्यूस होता है वही हमारा
फोर्स होता है क्या, जो हमारा टॉर्क को जनरेट करने में दोस्तों, तो हम कह सकते हैं जैसे कि अगर हमारा टॉर्क जनरेट होगा, इन दोनों में डिफरेंस हमको नजर आएगा फ्लक्स में, तो हमारा क्या होगा, जो डिस्क होगा वो हमको रोटेट हुए नजर आता आएगा, उससे हमारा क्या होगा, जो सर्किट होगा वो क्लोज हो जाएगा और हमारे कॉइल को ट्रिप कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें इंडक्शन कप टाइप, इंडक्शन कप टाइप हमारा क्या है, सेम प्रिंसिपल है जैसे इंडक्शन मोटर में हम यूज करते थे दोस्तों। इसमें क्या है हमारा, इन दिस हम इसमें हम स्टेशनरी आयरन कोर हम क्या करते हैं, प्लेस करते हैं किसके बीच में, जो हमारे रोटेटिंग कप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये जो हमारे आयरन कोर है उसको हमने क्या किया है, प्लेस किया है, एक स्टेशनरी नॉट मूविंग टाइप है। इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, जो हमारे गैप है वो क्या होंगे, एयर गैप, इससे क्या होगा हमारा जो एयर गैप है वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा और हमारा इनर्सिया जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जो ये और जो हमारे स्पाइंडल जो कप है, जो हमारे स्पाइंडल ऑफ द कप कैरी क्या करते हैं, वो वही क्या करते हैं, हमारे जो रेले हैं उनको क्लोज कांटेक्ट में लाते हैं और स्प्रिंग जो हमारे हैं वही टॉर्क को जनरेट करने में हेल्प करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे दो एक्चुएटिंग क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, इम्प्लॉयड करते हैं। यहाँ पे दो जब हमको एक में डिफरेंस दिखेगा, जैसे सपोज दैट एक एक ऑपरेटिंग टॉर्क हम देखेंगे, एक हमारा ऑपरेटिंग टॉर्क होगा और एक हमारा रीस्ट्रेनिंग कॉइल का टॉर्क होगा। अगर दोनों पेयर क्या होंगे, हमारे अपोजिट में होंगे, लेकिन अगर कोई एक ज्यादा किसी से मिलता है, मतलब कि सपोज दैट रीस्ट्रेनिंग ज्यादा हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा रिले ऑपरेट होगा। यहाँ पे देखिए लिखा है, ड्यू टू द इंट्रैक्शन ऑफ रोटेटिंग फ्लक्स इंड्यूस करेंट एंड टॉर्क इज प्रोड्यूस एंड कॉज रोटेशन। जब टॉर्क प्रोड्यूस होगा इंट्रैक्शन के कारण, फ्लक्स हमारा जनरेट होगा, तो उसी कारण क्या होगा, हमारा जो टॉर्क होगा वो रोटेट करेगा। यहाँ पे मैग्नेटिक सिस्टम काफी ज्यादा एफिशिएंट है, इसमें रेजिस्टेंस का भी चांस नहीं है, इसलिए हमारा जो रेजिस्टेंस है इंड्यूस करंट का वो भी हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। और मैग्नेटिक सिचुएशन हमारा ये अवॉइड करता है, कम से कम जो हमारा प्रॉपर डिजाइन होता है वो वर्क करता है, और जो हमारे लीनियर ये और ये एक्यूरेट हमारा नजर आता है मैग्नेटिक सेचुरेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे फोर लिम्स हैं उसके, और यहाँ पे हमने देख सकते हैं मैग्नेटिक जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले यहाँ पे यूज हुआ है। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा है, डिराइव हमको क्या करना है, टॉर्क इक्वेशन ऑफ इंडक्शन टाइप रिले। दोस्तों अब देखिए, जैसे हम आपको बताए थे कि यहाँ पे दो फ्लक्स होते हैं, एक फाइव वन और एक फाइव टू, दो प्रोड्यूस होते हैं, उन्हीं से हमारा जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस होता है दोस्तों, और उन्हीं से हमारा क्या होता है, वोल्टेज भी इंड्यूस होता है किसमें, लोअर ट्रांसफार्मर या लोअर मैग्नेट में हमारा क्या होता है टॉर्क। सपोज दैट मान लीजिए फाइव वन क्या है हमारा, फाइव वन एम साइन ओमेगा टू, और फाइव टू हमारा क्या है, साइन फाइव टू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा है। थीटा हमारा किस क्या है, इन दोनों फेज डिफरेंस जो हमारे फ्लक्स हैं उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है। सपोज दैट मान लीजिए फाइव टू हमारा लीड कर रहा है फाइव वन बाई थीटा, तो हमारा इसीलिए फ्लक्स टू जो होता है वो साइन ओमेगा टी प्लस थीटा हो गया। अब उसके बाद देखिए, जो हमारा करंट है दोस्तों वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, डी फाई बाई डी टी के। तो डी फाई बाई डी टी हमारा क्या है, जो हमारा यहाँ फाइव वन क्या था, फाइव वन साइन ओमेगा टी, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, फाइव वन एम कॉस ओमेगा टी। वैसे सेम हमने आई टू कर दिया, और हमको पता है कि जो हम करंट हमारा जो प्रोड्यूस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो हमारे उस अपोजिट साइड के फोर्स के प्रोड्यूस होता है। सपोज दैट जो एफ वन है वो हमारे किसके प्रोपोर्शनल होगा, सपोज दैट फोर्स वन हमारा प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो एक तो फ्लक्स जो इसी में प्रोड्यूस हो रहा है, प्लस दूसरा जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है अपोजिट में, तो इन दोनों के प्रोपोर्शनल है। फिर I2 हमको पता है कि फाइव टू एम कॉस ओमेगा टी, ये है हमारा जो I2 किसके प्रोपोर्शनल है इसके, तो I2 हम क्या के यहाँ पे पुट कर दिए। सेम वैसे ही F2 भी किए, लेकिन हमारा जो फोर्स का डिफरेंस ये वही हमारा प्रोड्यूस कर रहा है क्या, टॉर्क इंड्यूस करेगा, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा आएगा कि फाइव वन साइन फाइव टू साइन थीटा, तो यही हमारा फाइव वन और फाइव टू क्या है, हमारा आर एम एस वैल्यू है दोस्तों। अगर सपोज दैट कि हमारा सेम करंट फ्लो होगा किसमें, जो हमारा सेम करंट अगर फ्लो दोनों प्रोड्यूस हो रहा है फ्लक्स वन में फ्लक्स टू में, तो उस समय हमारा जो क्या होगा, दोनों हमारा सेम साइन होंगे, उस समय हमारा जो फोर्स होगा वो फ्री हो जाएगा किससे, वाइब्रेशन से। सपोज दैट मान लीजिए अगर थीटा हमारा जीरो हो जाता है तो नेट फोर्स भी हमारा जीरो हो जाएगा, तो उस समय हमारा क्या होगा, जो डिस्क होगा वो रोटेट नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों के डिफरेंस में
में, फ्लक्स में हमारा क्या है, मिनिमम है। और मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा, इस समय हमारा जो फ्लक्स टॉर्क होगा वो भी मैक्सिमम होगा, फोर्स भी हमारा मैक्सिमम होगा। अब उसके बाद हम आते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, वो कूल्स रिले। तो हमको बताना है कि हाउ द गैस एक्चुएटेड रिले ऑपरेट, कैसे हमारा गैस एक्चुएटेड रिले ऑपरेट होता है, इसके एप्लीकेशन बताते हैं दोस्तों। तो देखिए, गैस एक्चुएटेड रिले यानी हम बुकोल रिले उसे ही बोलते हैं। तो बुकोल रिले कुछ नहीं है, बल्कि एक हमारा क्या है, गैस एक्चुएटेड रिले है। इसमें हम फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए एक छोटा सा जो टाइम इंक्रीजिंग, जो हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइनर जो माइनर छोटे छोटे फॉल्ट होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं दोस्तों। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है, यही हमारा क्या होता है, माइनर फॉल्ट ही मेजर फॉल्ट का रूप हो जाते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हमारा फॉल्ट, सपोज दैट आपको फिगर में देखते हैं, देखिए ये देखिए हमारा क्या है, ये हमारा नॉर्मल कंडीशन है दोस्तों, कि यहाँ पे हमारा क्या करता है, जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारा दो मर्क्यूरी स्विच यहाँ पे हम यूज करते हैं। पहले थ्योरी आपको बता देते हैं कि देखिए जब भी हमारा बुकोल रिले में फॉल्ट ऑकर होता है, तो हमारा जो आयल ऑफ द टैंक होते हैं वो क्या होते हैं, एक ज्यादा एक ओवरहीटेड होने लगते हैं, तो उससे क्या होता है, गैस फॉर्म होता है। तो जब ये गैसेस का जनरेशन हो जाता है, धीरे धीरे स्लो होता है, तो ये कहीं ना कहीं फॉल्ट में इंसिपेंट फॉल्ट हमको नजर आते हैं, जो कि एक हैवी शॉर्ट सर्किटेड फॉल्ट भी हम बोल सकते हैं इसे। और यही जनरेशन ऑफ जो गैस है वही हमारा क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि फॉल्ट अब डिटेक्ट होने लगा। यही सेम चीज हमारा क्या करता है, बुकोल रिले करता है। बुकोल रिले क्या करता है, एक सिंपल फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन जो हमारा है वो यूज क्या करता है, यही चीज यूज करता है। अगर गैस लीकेज हो रहे हैं तो ये बुकोल रिले हमारा तुरंत ऑपरेट करेगा दोस्तों। इसके अंदर दो इंच फ्लोट मेटालिक चैम्बर होते हैं, जो कि एक अपर साइड ऑफ द पाइप होता है, और ये जो कि हमारा अपर साइड किसके बिटवीन होता है, ऑयल कंजर्वेटर एंड ट्रांसफार्मर टैंक के बीच में दोस्तों। जैसे हमारा नॉर्मल कंडीशन है, तो फ्लोट हमारा क्या होगा, अप की तरफ होगा, तो उसमें फॉल्ट हमारा क्या होगा, कोई फॉल्ट नहीं नजर आएगा। लेकिन जैसे ही हमारा फॉल्ट आकर होता है, तो उस समय क्या होंगे, बबल प्रोड्यूस होंगे, गैस ओवरहीटेड होंगे, बबल्स प्रोड्यूस होंगे, तो उस समय हमारा क्या होगा, उस समय हमारा फॉल्ट आकर होगा। लेकिन फॉल्ट जो है इसमें धीरे धीरे स्टार्ट होते हैं, दिस इज स्लो फॉल्ट एंड वार्मिंग फॉल्ट। जैसे जैसे फॉल्ट हैवी होने लगेगा, वैसे वैसे जो हमारा सल्ज होगा, गैसेस का जो सल्ज होगा, वो क्या होगा, इंगेज होने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा, लोअर फ्लोट करने लगेगा। उसी कंडीशन में हमारा जो सर्किट ब्रेकर का ट्रिप है वो क्या होगा, ऑपरेट होगा। और जब हमारा फॉल्ट होगा, तो आपको पता है हीट होगा, तो हीट होने के कारण जो ट्रांसफार्मर का फ्लूइड है या सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल है वो भी जलने का डर होता है दोस्तों। ये जो हमारा सपोजिट एक स्पेसिफिक अमाउंट में हमारा गैस क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, तो हमारा रिले जो अलार्म है, रिले क्या करेगा, वो अलार्म देने लगेगा, वो बताने लगेगा कि हमारा यहाँ से गैस एक्यूमुलेट हो रहा है, तो डिफरेंट टाइप की फॉल्ट हमको देखने को मिल रहा है। तो उसी से हमको पता चलता है क्या कि हमारा कि फॉल्ट अब नजर आ रहा है, तो तुरंत हमारा क्या हो सकता है, उस समय हमारा जो जो हमारा गैस हो रहा है उसको हम ले सकते हैं, उसको टेकन आउट कर सकते हैं, किसके थ्रू, जो हमारे पेटकॉक यहाँ पे होते हैं वहां, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, गैस को आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट कॉक, वहां पे हमने क्या किया, गैस को लेके पता कर सकते हैं कि ये हमारा कंडीशन फॉल्ट वाला है कि नहीं फॉल्ट वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मर्क्यूरी स्विच यहाँ पे रखा गया है कि पता चले नॉर्मल कंडीशन में ये ऐसे ही होंगे, लेकिन जैसे हमारा फॉल्ट होगा वो हमारे क्या होंगे, ये मिनिमम स्टेज में आ जाएंगे। जब ये हमारा क्या होगा, यहाँ से सपोज दैट यहाँ से एक मीटर भी हमारा जुड़ा होगा, अगर वो नॉर्मल आ गया तो समझिए ऑयल कम है, तो हमारा गैस ऊपर नजर आएंगे, तो उसमें क्या होगा हमारा कि पता चलेगा कि यहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं गैस हो रहा है, तो अलार्म हमारा क्या होगा, अलार्म बजेगा, उसके थ्रू हमारा हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे फॉल्ट ऑकर हो रहा है। अब ये काफी स्लो एक्टिव डिवाइस है, क्योंकि इसका जो टाइम रेंज है, मिनिमम इसका ऑपरेटिंग टाइम 0.1 सेकेंड है और एवरेज टाइम 0.2 सेकेंड है दोस्तों। अब इसका एडवांटेज का बात करें कि ये इंसिपिएंट फॉल्ट, मतलब एक माइनर माइनर लेवल पे ही हमको फॉल्ट को पता कर लेता है कि कब हमारा फॉल्ट होने वाला है, जब हमारा ओवरहीटिंग होने वाला है तो उसी समय हमको बता देता है कि हाँ इसमें ये फॉल्ट होने वाला है दोस्तों। फिर और इसका एडवांटेज एप्लीकेशन का बात करें, तो इसका एप्लीकेशन कहाँ है, वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट में हम यूज करते हैं, बोसिंग पंचर में यूज करते हैं, या वाइंडिंग अर्थ फॉल्ट में भी हम इसका यूज करते हैं दोस्तों।
फिर उसके बाद अगर हम बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्पलीट्यूड कंपैरेटर का, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, दो टाइप के एम्पलीट्यूड हमारे एम्पलीट्यूड कंपैरेटर होते हैं, एक तो रेक्टिफाइज ब्रिज वाले होते हैं, एक और हमारे होते हैं इंटीग्रेटिंग कंपैरेटर। देखिए, रेक्टिफाई वाले में हमारे क्या होता है, रेक्टिफाई ब्रिज कंपैरेटर में हमारे क्या होते हैं, जो इसमें इनपुट होता है वो हमारा साइनोसोडियल करेंट होता है। यानी इसका क्या है, दोनों जो इनपुट हम करेंट लेंगे, जो भी इनपुट हमारा करेंट होगा वो किसका होगा, फुल वेव रेक्टिफाइड होगा, जो कि रेक्टिफाइड करेगा, और इसका आउटपुट जो होगा इन दोनों के डिफरेंस को ही हम बोलेंगे, जो भी हमारा इनपुट होगा उन दोनों को डिफरेंस को ही हमारा आउटपुट होगा। दोस्तों, कंपैरेटर में हम जनरली क्या करते हैं, दो इनपुट लेते हैं, वहां से हमारा आउटपुट मिलता है, और जो आउटपुट रिले है उसको हम कनेक्ट करते हैं किसके द्वारा, रेक्टिफाइड सर्किट के द्वारा, और फिल्टर सर्किट भी हम यूज करते हैं इसलिए कि जो हमारा आउटपुट हो वो हमारा स्मूदर हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो इनपुट ले रहे हैं और यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। आउटपुट से पहले हम यहाँ पे फिल्टर सर्किट का, ये हमारा फिल्टर सर्किट है, यहाँ पे हम फिल्टर सर्किट का यूज कर रहे हैं, जिसके वजह से हमारा जो आउटपुट होगा वो हमारा काफी सफिशियंट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है कि आउटपुट हमारा कब होगा, जैसे आउटपुट हमारा किसके इक्विवेलेंट होगा, मैग्नीट्यूड होगा जो I1 - I2 के, इन दोनों के मैग्नीट्यूड के ऊपर हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा। अब इंटीग्रेटिंग एम्पलीट्यूड में क्या होता है दोस्तों, इस केस में हमारा जो आउटपुट होता है वो किसके थ्रू, जो कंपैरेटर का आउटपुट होता है उसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट यानी क्या करते हैं दोस्तों, जो भी हमारा इसमें इंप्रूवमेंट एम्पलीफायर होता है उसी हमारा इंटीग्रेट कर देता है वैल्यू को, यानी थ्रेशोल्ड से अप उसे वैल्यू कर देता है जिसमें हमारा रिले जो होता है वो ऑपरेट करता है दोस्तों। यही बस पॉइंट याद रखिएगा कि इंटीग्रेटेड एम्पलीट्यूड कंपैरेटर में हम कंपैरेटर के बाद जो कंपैरेटर का आउटपुट होता है उसको इंटीग्रेटर से हम पास करते हैं। इंटीग्रेटर में क्या होता है, जो हमारा वैल्यू होता है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू तक रीच कर जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो आउटपुट का रिले है वो हमारा आउटपुट ऑपरेट कर जाएगा दोस्तों। अब उसके बाद क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमको क्या बताने, ओवर करंट रिले बताने और उनके एप्लीकेशन बताने हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला क्या है, इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले, नाम से पता चल रहा है इंस्टेंटेनियस, जिसमें वेरी फास्ट ऑपरेशन होगा, जिसमें कोई भी टाइम डिले नहीं होगा। तो टाइम इसका कितना होगा, 0.01 सेकेंड दोस्तों। इसका स्पीड ऑफ ऑपरेशन किसके द्वारा होता है दोस्तों, जो हिंज्ड आर्मेचर टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होते हैं वो ये इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले हमारा क्या होता है, यूज होता है दोस्तों। और ये इफेक्टिव, काफी इफेक्टिव होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारा इसमें जो इस इंपेडेंस होते हैं वो हमारा यूज करते हैं और इसको कंपेयर ही करते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या है दोस्तों, हम आउटगोइंग फीडर के प्रोटेक्शन के लिए हम इसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है हमारा, इनवर्स डेफिनेट टाइम रिले। इनवर्स डेफिनेट टाइम रिले में हमारा क्या होता है दोस्तों, इनवर्स डेफिनेट टाइम में रिले में जितने भी हमारे ओवर करंट रिले होते हैं उसमें हमारा इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक हमको देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है कि फॉल्ट का जो करंट लेवल है वो हमको इंक्रीज देखने को मिलता है, जैसे जैसे हमारा टाइम डिक्रीज होता है, ऑपरेटिंग टाइम जो होता है वो हमारा डिक्रीज होगा तो फॉल्ट करंट का हमको लेवल इंक्रीज नजर होते हुए आएगा। तो ये हमारा इस टाइप का कैरेक्टरिस्टिक अधिकतर हमको कि कहां मिलता है, पिकअप वैल्यू जो हमारे एक्चुएटिंग क्वांटिटी के पिकअप वैल्यू होते हैं उसमें हमको नजर आते हैं, और वहीं पे हमको देखने को मिलता है कि जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो सुटेबल, मतलब कब सुटेबल है कब नहीं सुटेबल है, उसी लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं दोस्तों। और उस जैसे यहाँ पे हम एक डेफिनेट टाइम कैरेक्टरिस्टिक होता है दोस्तों, इसका मतलब क्या है डेफिनेट टाइम कैरेक्टरिस्टिक, कि जब इफ द सैचुरेशन ऑकर एट वेरी अर्ली स्टेज, सपोज दैट सैचुरेशन हमको बहुत पहले मिल गया लेकिन टाइम ऑफ द रिले जो टाइम ऑफ ऑपरेशन है उसका रिमेन जो उसका जो टाइम ऑफ ऑपरेशन है वो काफी देर तक रहा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इसका डेफिनेट टाइम कैरेक्टरिस्टिक हमको नजर आ रहा है। अब उसके बाद क्या है आईडीएमटी, आईडीएमटी मतलब क्या है इनवर्स डेफिनेट टाइम रिले। इसमें क्या होता है, जब हमारा कोर क्या होता है सैचुरेट होता है बहुत समय बाद हमारा जब सैचुरेट होता है तो उस समय जो हमारा ऑपरेटिंग टाइम है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, जो
फॉल्टी करंट है उसके ज्यादा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। मतलब क्या होगा कि हमारा क्या होगा, जो पिकअप वैल्यू होता है वो नियरली कांस्टेंट नजर आता है कि बहुत देर बाद हमें क्या मिला, स्टेबल सेचुरेशन मिला। और जो हमारा कोर सेचुरेशन करंट होता है, जो हमारा कोर सेचुरेशन करंट होता है वो काफी क्या होता है, हाइयर होता है। उसका कोर सेचुरेशन करंट काफी हाइयर होता है किसके, जो पिकअप वैल्यू होता है, पिकअप वैल्यू करंट होता है उससे काफी हद तक बाद हमारा क्या होता है, सेचुरेशन होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, आईडीएमटी, यानी इनवर्स इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम रिले। अब वेरी इनवर्स में देखिए फिर वही है कि हमारा जो सेचुरेशन है वो काफी हद तक बाद होगा। इसी को हम कहाँ पे यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल सर्किट में यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूटिलिटी में हम इसको यूज करते हैं दोस्तों। और उसके बाद जो हमारा है एक्सट्रीमली यूनिवर्स में क्या होगा कि सेचुरेशन मान लीजिए वो कभी बहुत ही रेयर केस में हमारा सेचुरेशन देखने को मिलता है। अब उसके जो कैरेक्टर, जैसे यहाँ पे एक्सट्रीमली यूनिवर्स का कहाँ पे यूज करते हैं, जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेडर को हमको प्रोटेक्ट करना होता है पीक करंट से ड्यूरिंग स्विच ऑन कंडीशन में, तो हमको उस समय क्या यूज करते हैं, जो हमारा एक्सट्रीमली यूनिवर्स कब यूज करते हैं, जब हमारा फीडर को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ, जब हम करते हैं फीडर डिस्ट्रीब्यूशन फीडर का पीक करंट के टाइम, यानी क्या जब स्विचिंग ऑन कंडीशन में, तब हम क्या यूज करते हैं, एक्सट्रीमली इनवर्स यूज करते हैं दोस्तों। ये कैरेक्टरिस्टिक आप देख सकते हैं कि पहला वाला जो है हमारा डेफिनेट टाइम है, फिर इनवर्स है, फिर और वेरी इनवर्स हो गया, फिर और हमारा क्या हो गया, किसके बीच में है, जो ऑपरेटिंग टाइम है और यहाँ पे मल्टीपल ऑफ द पल्स प्लग सेटिंग है दोस्तों। तो इन दोनों में हमारा क्या होता है, ये नजर आता है। इसके जो अब यहाँ पे हम देख लिए कि यहाँ पे जो हमने ये डायग्राम भी देख लिया, अब देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है कि डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल रिले और इनके ऑपरेशन हम कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिंपल आप डायरेक्शनल ओवर करंट रिले समझिए दोस्तों। देखिए देखिए डायरेक्शनल ओवर करंट रिले में हमारे दो एलिमेंट होते हैं, एक तो डायरेक्शनल होते हैं, एक हमारे नॉन डायरेक्शनल होते हैं। डायरेक्शनल एलिमेंट में हमारे क्या होते हैं, डायरेक्शनल एलिमेंट जो होता है, जो डायरेक्शनल पावर रिले होता है वो ऑपरेट कब करता है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ऑपरेट करता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज क्वाइल क्या होता है, इनर्जाइज होता है, जो हमारे सिस्टम के वोल्टेज होते हैं, वोल्टेज हमारे क्वाइल पीटी के थ्रू इनर्जाइज होते हैं, और जो हमारे करेंट है वो सीटी के द्वारा इनर्जाइज होते हैं, और ये आपस में दोनों सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, डायरेक्शनल एलिमेंट बोलते हैं। और नॉन डायरेक्शनल जो है दोस्तों वो हमारे करंट कॉइल जो होते हैं डायरेक्शनल एलिमेंट के, वो सीरीज में होते हैं किसके, प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ नॉन डायरेक्शनल एलिमेंट। और ये हमारा क्या होता है, जो करंट कॉइल इसका होता है वो हमारा प्लग सेटिंग से क्या होता है, कनेक्टेड होता है, जो कि एडजस्ट कर सकते हैं करंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोस्तों। अब यहाँ पे हम इसके कंडीशन को समझते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम कि यहाँ पे हमारे दो एलिमेंट है, एक तो डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल में हमारे क्या थे, जो हमारे वोल्टेज मिल रहे हैं आपको वो कहाँ से आएंगे, पीटी से आएंगे, और जो करंट है वो हमारा कहाँ से आएगा, सीटी से आएगा। ये देख सकते हैं ये वाला एलिमेंट हमारा क्या है, जो ई शेप्ड का है वोल्टेज, यानी पीटी वाला, और ये हमारा सीटी वाला जो सी शेप्ड का है। और इसके जो प्राइमरी है दोस्तों, जो प्राइमरी अरे सॉरी सेकेंडरी कॉइल के, जो सेकेंडरी करंट कॉइल है वो हमारे प्लग सेटिंग, जो हमारे ये जो प्राइमरी के नॉन डायरेक्शनल रिले है वहां से हमारे कनेक्ट है। और प्लग सेटिंग दोस्तों हमारे किससे कनेक्ट है, प्लग सेटिंग जो कि हमारा कनेक्ट है, जो हमारा इसमें का प्राइमरी है किसका, नॉन डायरेक्शनल एलिमेंट का। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा क्या होते हैं, इसके ऑपरेट करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी हमको एबनॉर्मल कंडीशन मिला तो हमारा सर्किट क्या होगा, ट्रिप कर जाएगा दोस्तों।